कि क्या अतीक और अशरफ की हत्या का गुड्डू मुस्लिम से कोई कनेक्शन है, गुड्डू मुस्लिम का नाम लेते ही अतीक पर अंधाधुंध गोलीबारी इत्तेफाक थी, या फिर कोई बड़ी साजिश। इसका पर्दाफाश अभी बाकी है, लेकिन सवाल ये कि गुड्डू मुस्लिम कौन है। सवाल उठता है कि अतीक अशरफ हत्याकांड में गुड्डू मुस्लिम का रोल क्या है। इसका सच सामने आना बाकी है, लेकिन 15 अप्रैल की रात प्रयागराज के काल्बिन अस्पताल के बाहर का ये मंजर देखिए। जब मीडिया के सवालों पर अतीक ने जवाब देना शुरू ही किया था कि बीच में ही अशरफ ने गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया, तभी उसके बगल में खड़े अतीक अहमद को हमलावरों ने सिर से सटाकर गोली मार दी। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक हमलावरों ने अशरफ को गोली भी मार दी और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दावे के मुताबिक अतीक और अशरफ की हत्या किसी बड़े मकसद से की गई है। सूत्रों के मुताबिक अतीक की हत्या में आर्म्स डीलर का भी हाथ हो सकता है। मुमकिन है कि भेद खोलने के डर से अतीक की हत्या करवाई गई हो, क्योंकि पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते हथियार आते थे। गुड्डू मुस्लिम का नाम लेते ही अतीक और अशरफ पर फायरिंग हुई, और कहा यह भी जाता है कि गुड्डू मुस्लिम ही अतीक की तरफ से हथियारों की डील करता था। ऐसे में जानना यह भी जरूरी है कि गुड्डू मुस्लिम का अतीक और अपराध से कैसा रिश्ता है। प्रयागराज में पैदा हुआ गुड्डू मुस्लिम स्कूली दिनों से ही लूट और रंगदारी जैसे कांड में शामिल होने लगा। गुड्डू मुस्लिम शुरुआती दिनों से ही बम चलाने में माहिर रहा है। गुड्डू मुस्लिम का नाम पहली बार चर्चा में आया जब उसने 1997 में लखनऊ के चर्चित ला मार्टिनियर स्कूल के गेम टीचर फ्रेडरिक जे गोम्स की हत्या कर दी। गुड्डू ने फैजाबाद के ठेकेदार संतोष सिंह की हत्या का भी जुर्म कबूल किया था। उसने 1997 में ही सरकारी इंजीनियर को भी बीच सड़क पर गोलियों से भून दिया था। बाद में उसकी पहचान यूपी के बड़े माफिया श्री प्रकाश शुक्ला से हुई। श्री प्रकाश के एनकाउंटर के बाद गुड्डू गोरखपुर के माफिया परवेज टाडा के संपर्क में आया। परवेज ISI का एजेंट था और जाली नोटों की तस्करी करता था। इसके बाद परवेज ने गुड्डू की मुलाकात बिहार के चर्चित माफिया उदयभान से करवा दी। बिहार में भी उसने कई बड़े अपराधों को अंजाम दिया। 2001 में गोरखपुर पुलिस ने उसे पटना के बेऊर जेल के सामने से गिरफ्तार कर लिया। कहा जाता है कि गुड्डू को तब अतीक अहमद ने ही जेल से छुड़वाया था। इसके बाद से वो अतीक अहमद के लिए काम करने लगा। धीरे धीरे गुड्डू अतीक का बेहद खास बन गया। अतीक के पूरे गैंग की जिम्मेदारी गुड्डू संभालने लगा, और अब इसी गुड्डू मुस्लिम का नाम लेते ही अतीक और अशरफ को गोलियों से भून दिया गया। ऐसे में गुड्डू मुस्लिम की गुत्थी के सुलझने का इंतजार हर किसी को है, क्योंकि प्रयागराज की 24 फरवरी की इन तस्वीरों को कौन भूल सकता है, जब 2005 के विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल और उनके दोनों सुरक्षा कर्मियों की सरेआम हत्या कर दी गई। 24 फरवरी 2023 CCTV कैमरे में कैद सफेद शर्ट में नजर आ रहा ये गुड्डू मुस्लिम है जो उमेश पाल और उनके दोनों गनर पर बेधड़क बम बरसा रहा है। उमेश पाल और उनके दोनों गनर की बर्बर हत्या को अतीक के तीसरे नंबर के बेटे असर और उसके करीबी गुंडों ने अंजाम दिया था, जिसके बाद सबसे पहले 27 फरवरी को प्रयागराज में पुलिस से मुठभेड़ में शूटरों की गाड़ी के ड्राइवर अरबाज को मार गिराया। फिर 6 मार्च को प्रयागराज में ही पुलिस से एनकाउंटर में शूटर उस्मान चौधरी भी ढेर हो गया। इसके बाद 13 अप्रैल को झांसी में पुलिस ने अतीक के बेटे असद और करीबी शूटर गुलाम का एनकाउंटर कर दिया, और आखिर में 15 अप्रैल को प्रयागराज में ही पुलिस की मौजूदगी में अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई। यानी उमेश पाल हत्याकांड की जो कहानी CCTV फुटेज से शुरू हुई उसका अंत इस लाइव शूटआउट से हुआ। और बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अहमद किस तरीके से कारोबारियों से पैसा वसूला करता था, टैक्स लिया करता था चुनाव लड़ने के लिए, इसको लेकर भी एक जानकारी सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल अतीक अहमद कारोबारियों से पैसा वसूला करता था। अतीक के चुनाव लड़ने पर गुंडा टैक्स वसूली हुआ करती थी उसके द्वारा। गुलाबी पर्ची देते थे तो 3 लाख रुपए जो है अमाउंट हुआ करता था, और अगर सफेद पर्ची मिलती है तो अमाउंट 2 लाख बढ़ जाता है, यानी कि 5 लाख रुपए हो जाता है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। रंगदारी, बेनामी संपत्ति, दूसरों की संपत्ति पर कब्जा कर लेना, हत्या, लूटपाट, इस तरीके की जो चीजें करता ही था, लेकिन कारोबारियों से वो गुंडा टैक्स भी वसूला करता था। तो इस वक्त की बड़ी खबर अतीक अशरफ हत्याकांड केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद की हत्या और उत्तर प्रदेश में हुए अब तक एनकाउंटर मामले पर दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए
सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है, 24 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई होगी। और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ मामले की सुनवाई करने वाली है। एक आम अपील पर यह सुनवाई होने वाली है और तारीख भी सबके सामने।